ये टोल प्लाजा पे हम पहुंच चुके हैं कराची हैदराबाद। अब 9 मोटरवे पे हम अब अपना सफर को कंटिन्यू करेंगे। काफी दिनों के बाद बोल रही हूँ तो बोला भी नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सब आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज है संडे और मैं कहती तो हूँ कि मैं रोज़ कुछ बनाऊँ, लेकिन सीरियसली घर में कोई होता नहीं है और कोई ऐसी रूटीन भी नहीं है मेरी। ज़्यादातर जब मैं बाहर निकलती हूँ तो अभी वीडियो बनाती हूँ। खैर हम जा रहे हैं अम्मी का वो UPS भी चेक करना है, क्या मसला है, बैटरी में मसला है या UPS में मसला है, वो भी हल करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ हमने एक और चीज़ करनी थी जी, प्लान। कौन सा प्लान जुल्फिकार साहब? वेकेशंस का। हाँ वेकेशंस का प्लान करना है, सरप्राइज है, लेकिन वो आपको वीडियो साथ साथ इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। वो कोई चीज़ आपको पता मिस नहीं करते। कहीं पर अगर हमें नेट का प्रॉब्लम होता है तो हम वो वीडियोस बनाकर रख लेते हैं, फिर बाद में आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। लेकिन इस बार हमारा इरादा है कि हम आपके साथ साथ के साथ ही शेयर करेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमने बहुत बार दिखा दी है, क्यों जुल्फिकार साहब? बस हम अपना इंजॉय करना जो है वो शेयर करेंगे इस बार, और कोशिश ये करेंगे कि होटल और ये जो चीज़ें थे खाने पीने के रेट, ये लोग पूछते हैं क्योंकि उनको एक आइडिया हो जाता है भाई कितना खर्चा आ जाता है, तो वो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। एनीवे अम्मी को मैंने कहा था, अम्मी आप सर्दियों के कपड़े पूरे मत रखिएगा क्योंकि जहाँ ठंड होनी है, तो आप लोग क्योंकि बुजुर्ग है तो इस बार हमारे वालदैन को हम साथ लेके जा रहे हैं। और याद हमने अपने सासू ससुर को भी बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि वो भी हमारे साथ चले, वो मतलब यहाँ तक के जो लाहौर के अंदर पार्क्स होते थे उधर तक भी नहीं जाते थे वो। हाँ एक आध बार हम खाना खिलाने ले गए, अब इतना गुस्सा कर रहे थे अल्लाह बख्शे, तो वो जाहिर उनकी नहीं थी ये नेचर ना, तो गुस्सा मतलब हम पे नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो खाना था होटल हाँ। था और फिर पैसे वो करने लगे इतना महंगा हाँ। मतलब वो लोग नहीं क्योंकि गए तो उनको नहीं पता था कि होटल में जाहिर है महंगा मिलती है हर चीज हाँ। कड़ाही और बारबेक्यू और पूरी फैमिली थी एक्चुअली उस दिन ना, हमारी उनके हाँ, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड और भाई। उस दिन हमारी जो थी ना वो थी एनिवर्सरी थी, मेरा ख्याल 70वीं एनिवर्सरी थी, तो तब हम गए थे 70वीं 70वीं मतलब 70th नहीं 17th, ये मैं कहना चाह रहा हूँ 17वीं नहीं मैं बोल सकते, 70वीं हम लोग उर्दू में तो 17 ही बोलते हैं ना। तो खैर बहरहाल वो फिर हमने यही प्लान किया था, हमारी नंदे दोनों गई थी, उनके बच्चे गए थे, फैमिली गई थी साथ में, अम्मी अब्बू को बड़ी मुश्किल रेडी किया था। वो कहते थे आप लोग जाओ, हमें क्यों साथ लेके जा रहे हैं, मतलब हमारा क्या काम है। हमने कहा अभी आप भी चले, आप लोग भी। तो फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी में वो इस तरह से होटल पर फैमिली के साथ, हमारे बच्चों मतलब अपने बच्चों के साथ गए होंगे, बहू के साथ और बच्चों के साथ, बेटे के साथ, अपनी बेटियों के साथ। तो वो जब बिल आया है, खाना आया है और सब कुछ देखा उन्होंने, तो खाना तो उनको इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि आदत नहीं है, घर की आदत थी। तो साथ में हमें सबको बड़ा मज़ा आया था सीरियसली, पंजाब की आपको पता है डिशेज अच्छी होती है, टेस्टी होती है, और हमने मेन्यू भी काफ़ी बड़ा मंगवाया था। लेकिन जब बिल आया है तो फिर अबू ने जो सुनाई अबू ने उनको इतनी सुनाई, उनको नहीं मतलब हमें सुना रहे थे कि इतना बिल दे देता ये है वो है। हाँ उनके बारे में ना, इतना महंगा खाना किसी काम का नहीं था, ये हो जाता वो हो जाता। छोटे होते हुए जो है वो वालदैन ने हमें बहुत ज्यादा घुमाया फिराया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हर चीज खिलाई है, जहाँ तक हो सका वो हमें घुमाते फिराते रहे। पंजाब तो हमारा हर साल टूर होता था क्योंकि हमारे ननिहाल ददियाल वहाँ पे थे, तो मैं जब भी नॉर्दर्न एरिया जाती थी मेरा दिल चाहता था कि मेरे वालदैन भी साथ हो, जिस तरह से बचपन में उन्होंने हमें घुमाया है तो मैं भी उन्हें घुमाऊँ। पिछले साल भी हमारा प्लान बना था लेकिन फिर नहीं जा सके थे अब्बू की तबीयत की वजह से करके भी और कुछ वैसे भी, लेकिन अब इस दफ़ा मैंने उनको सर्दियों में कह दिया था कि हमारा गर्मियों में प्रोग्राम है, तो इसलिए आप दोनों रेडी रहिएगा हमारे साथ जाने के लिए। और अम्मी को मैंने कहा था सर्दियों के कपड़े मत रखिएगा क्योंकि जहाँ हमने जाना है तो आप लोगों को भी सर्दी, हमें भी सर्दी लगती है लेकिन आप लोगों को ज़्यादा लगेगी। तो अम्मी ने अभी तक सर्दियों के कपड़े जो है वो साइड पर कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने उठाए नहीं है कि भाई आके देख लो मुझे क्या क्या लेके जाना है और कितना लेके जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगी, तो ईद पे तो जाहिर सी बात है नहीं होता इतना टाइम, और आज जाके मैं वो भी कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के अम्मी की चीज़ें अलग करके आ जाती हूँ। और जहाँ पे भी जाएंगे इंशाल्लाह वो सब चीज़ें आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, इस लिहाज से भी मज़ा आने वाला है कि वालदैन साथ होंगे। चेज़ वैली पे आए हुए हम लोग, और थोड़ी सी शॉपिंग करनी है सफ़र के लिए। ये चेज़ वैली और नए परफ्यूम्स की एक रेंज लॉन्च की है, बड़े ज़बरदस्त परफ्यूम है ये। ये थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है हमने, लेकिन अभी और भी करनी है चीज़ें, सफ़र के लिए जाना है ना, उसके लिए शॉपिंग हो रही है ये। अब्दुल्ला खड़े हुए, शाजिया ऊपर गई हैं।
चलिए जरा दिखाओ मम्मा, ये मैंने स्टॉलर लिया है, असल में मुझे ब्लू चाहिए था, ब्लू में नहीं मिला, और ये फिर अच्छा सारे कलर्स आ गए ना, बड़े अच्छे थे ना। अच्छा, यून एरियाज में इस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं। ये दो ट्राउजर्स लिए हैं, एक थोड़ा सा एक वाइट में है और एक थोड़ा सा ऑफ वाइट में है। ये दो कुर्ते हैं मेरे, उनके साथ बहुत ही प्यारा ठंडा सा कलर, बहुत खूबसूरत कलर है, ले लो। लेकिन ये ना कपड़े बहुत हो गए हैं मेरे पास, बहुत ही जबरदस्त कलर है, 4400 का है ना, तो 900 कम कर लो इसमें से। मुम्मा ये गर्ल्स की है, लेडीज है, ब्लैक भी है। मुम्मा नहीं है, गर्ल्स ब्लैक भी। हाँ ये अच्छा लग रहा है, बहुत आगे ये प्योर ब्लैक है, ये ज़्यादा अच्छा था। हाँ ये भी है अब्दुल्ला एडिडास, एडिडास तो डार्क कलर है, ये ज़्यादा अच्छा अब्दुल्ला एडिडास वाला, मुझे ये अच्छा लगा। नहीं अबू, गंदगी ज़्यादा कैच करेगा और ज़्यादा नज़र आएगा। आप अपने दिल में से बता दो, देखें ये इनमें से आप अपने दिल में से बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लैक के ऊपर नज़र ज़्यादा आता है, डस्ट और चीज़ें, तो वो मसला रहेगा आपको उसका। खैर भाई, चलो भाई मर्जी, थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने की है, अभी अभी पेमेंट हो गई है, ये दो हमारे बैग्स बने। तो जी चेज़ वैल्यू से फारग होने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए डाइनर्स गए थे, वहाँ से एक पैंट ली है मेरी, और अब आए हैं हम लोग इम्तियाज़। कुछ छोटी मोटी ग्रोसरीज जो रास्ते के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम इंशाल्लाह यहाँ से लेंगे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं है। हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस थोड़ी सी चीज़ें थी जो रास्ते के लिए चाहिए थी वो हम दे दी, और ऊपर चल के बिल बनवाएंगे भी। कब्रिस्तान आ रहे थे विक्की की कब्र पर फातिहा करने के लिए, फातिहा कर ली है, पढ़ाई करके पानी वानी डालकर फूल डालकर अब हम वापस जा रहे हैं। बड़ा गम ज़्यादा हो जाता है मेरा, मेरी तबीयत भी बड़ी गम ज़्यादा हो जाती है, मेरा दिल भी बड़ा गम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे तो बहुत सारे तोते हैं, ओह सो क्यूट, देखें काट रहा है मुझे, काटेगा और इसको क्या हुआ मैम? ओ भाई साहब गंजे हुए हैं, आपको क्या हुआ भाई, क्या हुआ है आपको मिट्टू? ओ वाह भाई वाह, मिट्टू 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 मिट्टू, उसे में कुछ तो। अस्सलाम वालेकुम, मम्मी बुला ली। ये प्रीटी बर्ड है, मफिन के और भी दोस्त आ गए भाई। और ये वाला दूसरे का नाम क्या है? उसका नाम नहीं रखा, परों को बड़ा खराब करता है। नहीं परों को खराब, अभी मोल्डिंग का सीजन चल रहा है, ये झाड़ करेगा, पूरे नए पार निकालेगा, फिर फिनिशिंग वाले आ जाएंगे ऐसे। जी मुझे कह रहा है पकड़ो, देख रहे वो उससे असल में घबरा रहा है ना, नया वो लोगों को इसको आदत नहीं है देखने की। वो तो पूरा है माशाल्लाह। ये देखिए मफिन, ये उतर के ना मेरे पास आने की कर रहा है। तो जनाब आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ साथ कौन जा रहा है इस टूर के ऊपर, लेकिन टूर बहुत लंबा है और बहुत दूर तक हमें जाना है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी दिनों से प्लान हो रहा था, इसीलिए वीडियो भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को सरप्राइज दूँ कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद होगी। तो इसमें ये पूरा टूर पूरी जर्नी देखना मत भूलिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करेंगे आप बिल्कुल हमारे साथ साथ। तो चलेंगे मिलवाती हूँ, यहाँ मिलवाती हूँ मैं पीछे बैठे हुए अब्बू जी और अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला है, इनको यहाँ सेट किया, ये अम्मी बैठी हुई हैं। तो जनाब और आगे मैं बताती हूँ, आगे मैं और मोहम्मद, मोहम्मद मेरी गोद में होंगे, और अक्सर हम ऐसा कहीं जाते हैं ना तो ये मेरी गोद में होता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और यहाँ पर ज़ुल्फ़िकार साहब,
तो सामान भी दिखाते हैं आपको। ये है जी हमारा सामान कुछ इस तरह से, ये ऊपर जा नमाज रखे हैं नमाज के लिए। वैसे तो होटलों वगैरह में मिल जाता है, लेकिन कहीं ऐसी जगह पे नमाज का टाइम हो जहाँ पे हमें ना मिले तो ये हम यूज़ करेंगे वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। ये कुछ मसाला जाते हैं, ये सब चीज़ें अंदर हैं, बहुत कुछ है इसमें, हम नहीं दिखा सकते, लेकिन बस आपको फुल दिखा रही हूँ मैं, ट्रंक फुल हो गया ना। तो चलें जुल्फिकार साहब। चलो जी। तो जनाब हम सब लोग यहाँ पर फिट आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तमाम दुआएं तमाम सूरतें पढ़ ली हैं, सफ़र की दुआ कर ली है और रास्ते पर में भी दुआ करते जाएंगे, बस अभी सदका भी निकालना है जाते हुए रास्ते में, और इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ पहुँचेंगे आपको दिखाते जाएंगे। फिलहाल 9:50 पर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है, और ये अलादीन जब कभी हुआ करता था यहाँ पर, अब तो इतवार बाज़ार और बुध बाज़ार लगता है। सुपर हाईवे के ऊपर आके हम लोग ये पीएसओ के पेट्रोल पंप के ऊपर ज़रा हवा वगैरह चेक करवाएंगे गाड़ी में। वैसे मैंने परसों चारों टायरों में हवा चेक कर ली थी, थोड़ी कम थी एक में, तो वो भर भी ली थी, लेकिन अभी क्योंकि गाड़ी के ऊपर वज़न बहुत है तो बेहतर है हाईवे पे जाना है, इसलिए हम लोग हवा वगैरह चेक करवा लेंगे यहाँ से। तो जनाब हमारा सफ़र जारी है, लेकिन अभी चूँकि सफ़र का स्टार्ट ही है तकरीबन, तो हमने अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट की है कि वो प्यारी सी किरत करें, बरकत भी होती है इसमें सफ़र में, और थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, मेरा बेटा माशाल्लाह हिफ्ज़ कर चुका है, अब दोहराई कर रहा है, तो लिहाजा आप भी मेरे बेटे की किरत सुनिए। याद है एक दफ़ा पहले भी मैंने आप लोगों को सुनाई थी और आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, और अब तो आप लोगों ने मेरे बेटे की किरत सुन के और फिर आप लोग दुआ भी देनी है, ठीक है ना, और इनके लिए, और फिर इसके बाद मोहम्मद से भी हम सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اب جی محمد آپ کو قرأ سنائیں گے اپنی چھوٹی سی سورۃ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد ما شاء الله تو یہ تھی جی محمد کی قرأت जी। तो ये हम पहुंच चुके हैं एम टैग पर, और यहाँ पर हमने अब चार्ज करवाना है। अस्सलाम वालेकुम। 3000 चार्ज कर दीजिएगा बेटा। 3000 जी। देखा आपका रिकॉर्ड आता है, तुम्हारा रिकॉर्ड आता भी खराब। हम जहाँ जहाँ से गुजरेंगे ये सब बस जहाँ से निकलते ताती तौल आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जनाब आ गया। अच्छा पेट्रोल जो था ना वो दुल्का साहब ने रात को ही फुल करवा लिया था। कितना पेट्रोल डलवाया था दुल्का साहब? 37 लीटर तकरीबन 36.7 समथिंग डला था। तो ये हमारी पहली टैंकी हम फुल करके ही निकले, ठीक है। तो स्टार्ट ही हमने फुल टैंकी से लिया है जो कि 37 समथिंग इसमें पेट्रोल दिया है टैंक में। अब देखते हैं ये कहाँ तक चलता है, जब नेक्स्ट हम दोबारा इसको फुल करवाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे जैसा कि हमेशा दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कराची हैदराबाद। एम टैग वाली लाइनें अलग है और नॉन एम टैग वाली लाइंस अलग है जी। ये टोल प्लाजा पे हम पहुंच चुके हैं कराची हैदराबाद। अब 9 मोटरवे पे हम अब अपना सफर को कंटिन्यू करेंगे। काफी दिनों के बाद बोल रही हूं तो बोला भी नहीं जा रहा। फिलहाल तो यहाँ सब चीजें ही निकल लेंगे क्योंकि ये स्टार्ट है।
आगे हमारी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ आ गया वहाँ पे BUF 663।